हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सलानी। आपकी अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करूंगी एक्ने, पिंपल्स या मुहासों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारी जो स्किन होती है उसमें हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उसमें एक सीबेसियस ग्लैंड होता है। वो सीबेसियस ग्लैंड ऑयल सिक्रीशन करता है, जो कि जिसका नाम होता है एक सीवम, चिपचिपा पदार्थ होता है। और स्किन में कुछ डेड सेल्स होते हैं जो कि एक्युमुलेट हो जाती हैं, जिससे कि पिंपल्स होने लगते हैं। ये जनरली टीनेजर्स में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट किसी भी एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट मोस्टली प्रेजेंट इन टीनेजर्स। कॉजेस की बात कर लें कि क्या क्या कॉजेस हैं जिससे कि एक्ने होते हैं, तो कॉजेस एक्सेस ऑयल सिक्रीशन होना, मीन सीबम का ज्यादा सिक्रीशन होना आपकी स्किन में, बैक्टीरिया होते हैं या इन्फ्लामेशन होता है। ये जो एक्ने होते हैं वो जनरली फेस पर, फोरहेड पर, शोल्डर्स पे आपके या चेस्ट पर होते हैं, क्योंकि इस जगह पर ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड ज्यादा होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड। इसकी वजह से इस एरियाज में ये एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। पिंपल्स क्या एक रेड टाइप के स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है और बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन कर देते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि एक सिस्ट, एक छोटी सी फुड़िया कह सकते हैं आप, छोटी सी फुड़िया, वहां पे एक लंप फॉर्मेशन हो जाता है स्किन के नीचे, जिससे एक्ने हो जाते हैं। कुछ चीजें होती हैं, सर्टन थिंग्स हैं, जैसे कि आपके हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मींस 12 to 14 ईयर्स में बॉयज एंड गर्ल्स में एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वो ज्यादा सीबेसियस ग्लैंड को एनलार्ज कर देता है, जिसके कारण ज्यादा सीवम रिलीज होता है। सर्टेन मेडिकेशंस रहती हैं, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रहते हैं, आपके टेस्टोस्टेरॉन्स रहते हैं, ये भी कॉज है इसका एक्ने का। डाइट भी रहती है, आप हाई रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, या जैसे कि चिप्स या ब्रेड वगैरह हुई, ये एक्ने में कॉज रहता है। स्ट्रेस, अनदर थिंग इज स्ट्रेस। स्ट्रेस, वैसे स्ट्रेस लेने से आपको एक्ने नहीं होते, बट अगर आपको एक्ने हैं, पिंपल्स हैं और आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके एक्ने बढ़ने का चांसेस है, आपके एक्ने बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों में कुछ मिस्ट रहते हैं, मींस उनमें कुछ गलत, मतलब गलत विचार रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपकी चॉकलेट या आपकी ग्रीसी फूड जो होते हैं, चिपचिपे फूड होते हैं, उनको खाने से एक्ने हो जाते हैं, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। या फिर आपको कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं उससे एक्ने हो जाते हैं। हाँ, अगर आप ऑयल फ्री कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं और मेकअप को इमीडिएटली रिमूव कर देते हैं तो एक्ने नहीं हो सकते, बट आप ऑयलिंग वाला कॉस्मेटिक यूज करते हैं तो इससे आपके जो पोर्स होते हैं स्किन के वो ब्लॉक हो जाते हैं, तब थोड़ा रिस्क रहता है एक्ने होने का। एक्ने के सिम्टम्स की बात कर लें तो सिम्टम्स जो होते हैं, साइन होते हैं, वो एक्ने की सीवियरिटी पे डिपेंड करते हैं कि एक्ने कम है या ज्यादा है, किस टाइप की सीवियरिटी है। पिंपल्स जो होते हैं उसमें बीच में पस रहता है और टिप पर रेड रेड एरिया रहता है, उसको हम पिंपल्स कहते हैं। और यदि छोटा छोटा रेड
एक हार्ड लाइक बम्प टाइप का, छोटा सा फोड़ा टाइप का हो तो उसको पैप्यूल्स कहते हैं। यदि बड़े बड़े ठोस सॉलिड टाइप के पेनफुल लम्स होते हैं स्किन के अंदर तो हम उसको नोड्यूल्स कहते हैं, जिनमें की बहुत ज्यादा दर्द होता है और पस भी नहीं होता बट ड्राई कलर के होते हैं और उनमें पेन बहुत ज्यादा होता है। वुमेन्स को, जो लेडीजें रहती हैं, उनको मेंस्ट्रुएशन में के एक सप्ताह पहले या कुछ दिन पहले उनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है, बट ये विदाउट एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट लेने से ये अपने आप ही क्लियर अप हो जाती है, इसमें ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें कि अगर आपको एक्ने हो गए हैं तो किस किस टाइप की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जब एक्ने है तो आपको स्कार की प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा स्किन पे आपके धब्बा सा दिखने लगेगा, स्किन में चेंजेस दिखने लगेंगे, जैसे कि आपकी स्किन थोड़ी डार्क होने लगेगी, हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकती है, मीन्स डार्क भी हो सकती है और हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकती है, क्योंकि एक्ने जब रिमूव हो जाते हैं तो कभी कभी डार्क कलर स्किन में आ जाता है एक्ने पर और कभी कभी लाइट कलर भी आ जाता है। सर्टेन रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स मीन्स किस रिस्क फैक्टर से आपको ये चीज एक्ने की हो सकती है, जैसे कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपके फादर या मदर या सिस्टर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली 75% ये प्रॉब्लम हो सकती है, या ग्रीसी ऑयल सब्सटेंसेस जो आप यूज करेंगे स्किन पर वो भी इसका एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है। ठीक है, ये तो जनरल बात हो गई एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए। अब आप बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, कि किस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपका एक्ने पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट आपकी मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ यदि आपके एक्ने में पस है, ड्राई नहीं है एक्ने, उसमें थोड़ा सा पस है येलो कलर का आपको दिख रहा है, तो आपको हिपरसल्फ दिन में दो बार लेनी है, टंग पर दो दो बूंद डालकर। ठीक है, बट उससे पहले आप टंग को क्लियर साफ कर लें। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड मेडिसिन है आपकी कालीब्रोमेटम। कालीब्रोमेटम मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एक्ने वल्गरिस के लिए। इसको आपको तीन बार लेना है दिन में, टंग पर दो दो बूंद डालकर 30 पोटेंसी में। ठीक है, अदर वन इज बर्बेरिस एक्यूफोलियम। बर्बेरिस एक्यूफोलियम मेडिसिन जो होती है एज ए ब्लड प्यूरिफायर आपको यूज करना है, जैसे कि आप साफी यूज करते हैं उसी तरीके से आपको बर्बेरिस एक्यूफोलियम मदर टिंचर यूज करना है, जिससे कि आपकी जो स्कार स्किन पर आ गए हैं ब्लैक कलर के, वो स्कार आपके क्लियर अप हो जाए, साफ हो जाए। ठीक है, आपको लेना किस तरीके से बर्बेरिस, आपको आधा कप पानी में 10 बूंद डालनी है, दिन में दो बार लेना है और टंग क्लियर करके आपको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी कैलेंडुला और बर्बेरिस एक्यूफेलियम। कैलेंडुला को और बर्बेरिस को आपको दोनों को मिक्स करना है, कैलेंडुला आपको 30 पोटेंसी में और बर्बेरिस एक्यूफोलियम की मदर टिंचर को रोज वाटर में, मींस गुलाब जल में मिक्स करना है और आपको दिन में दो बार, सुबह और शाम जब आप बाहर से घर आते हैं तो आपको फेस पर अप्लाई करना है, जिससे कि आपका जो भी डस्ट है वो अच्छे से साफ हो जाए और आपका चेहरा क्लियरली साफ हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज है आपकी नेट्रम म्यूरिटिकम। नेट्रम म्यूरिटिकम आपको 30 पोटेंसी में दिन में तीन बार लेनी है, जब आपकी स्किन काफी ज्यादा ऑयली है,
स्किन पे आपको चिपचिपा सा लगता हो, ऑयल बहुत ज्यादा दिखता हो, मीन्स गंदी टाइप्स की स्किन दिखती हो, जिससे कि नेट्रम ब्यूरोटिकम आप दिन में 3 बार लेंगे तो उससे आपकी स्किन में जो ऑयल ज्यादा बन रहा है वो ऑयल ज्यादा नहीं बनेगा और आपकी स्किन पर ऑयल नहीं दिखेगा, आपका सेबेसियस ग्लैंड ब्लॉक नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको नेट्रम ब्यूरोटिकम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है, टंग पर 2-2 बूंद डालकर। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी पायरोजिनम। पायरोजिनम आपको 30 पोटेंसी में 1 बार लेना है, दिन में 1 बार लेना है, जो कि आपकी पस है, उसको पस को जो पस्ट्यूल्स में रहता है आपके एक्ने में उसको ठीक कर देगी। लास्ट मेडिसिन है आपकी एस्टेरिया रूबेंस। एस्टेरिया रूबेंस आपको, जो कि एस्टेरिया रूबेंस जो होती है वो आपकी स्टारफिश जो होती है, स्टारफिश उससे बनती है, जो स्टारफिश में छोटे छोटे स्पॉट्स रहते हैं उसी तरीके से जब आपके एक्ने में छोटे छोटे स्पॉट्स रहते हैं तो उसको ये ठीक करती है। आपको एस्टेरिया रूबेंस 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है, जिससे कि आपके जो छोटे छोटे दाने हैं उनको ये बहुत ही इजिली ठीक कर देगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एस्टेरिया रूबेंस, ठीक है। आपको जिस तरीके से मैंने ये सभी सिम्टम्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये मेडिसिन लेना है। 1 महीने तक आपको कंटिन्यू ये मेडिसिन रखना है, उसके बाद आपका अगर एक्ने सही होने लगते हैं तो आप ट्रीटमेंट को विथड्रॉ कर दें, नहीं तो आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर दें, एक्सटेंड कर दें ट्रीटमेंट के लिए। आई होप आपको मेरी जानकारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं डॉक्टर निकिता सिलानी जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।